देखिए, मान लीजिए कि ए समुच्चय है जिसमें एक्स वाई जेड अवयव है, तो इसमें कितने अवयव होंगे? तीन। समुच्चय बी के अवयव है 1 और 2, यानी कि इसमें अवयवों की संख्या हो गई 2। तो ए से बी में, ए से बी के संबंधों, ए से बी के संबंधों की संख्या, संबंधों की संख्या, तो मैंने बता रखा है 2 का पावर इसके अवयवों की संख्या गुना इसके अवयवों की संख्या, यानी कि 3 × 2, यानी कि 2 का पावर 6, यानी 64 आ जाएगा। मतलब पढ़ा है ना फॉर्मूला 2 का पावर PQ। पी क्या है? समुच्चय ए के अवयव, और क्यू क्या है? समुच्चय बी के अवयव। ठीक है, तो यह ए से बी में संबंधों की संख्या हो जाएगी, यानी ए क्रॉस बी के जितने भी उपसमुच्चय होंगे वही ना आपके संबंध कहलाएंगे। चलिए अगला।